तो गाइस अभी है आज 10th ऑफ अक्टूबर एंड अभी बज रहे रात के 3:30 या फिर सुबह के 3:30 ले लो। मैं 2:30 बजे दो 2:30 ही बोलती है मैं, 1:30 2 ये सब मैं कंफ्यूज हो जाती। ओके चलो, 2:30 में 2:30 बजे मैं उठी थी क्योंकि मुझे इससे पहले का एक ब्लॉग कंप्लीट करना था जो कि मेरा होम टाउन का था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, उसको एडिट करके मुझे अपलोड करना था। सो देखिए यहाँ पे आई थी एक बैग के साथ, जा रही हूँ दो दो बैग के साथ। तो यस, जाने का टाइम आ गया गाइस, आज लास्ट डे है। आई कांट इवन बिलीव कि इतना जल्दी इतना डेज चला गया। कैसे चला गया मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं लास्ट 2 दिन से अच्छे से कुछ ब्लॉग नहीं किया था, जो कि दशहरा वाला दिन था उस वक्त का, उसके बाद से मैंने नहीं किया कुछ क्योंकि टाइम बहुत चला जाता है इस सब में, ब्लॉगिंग करो इसमें उसमें, तो घर के लिए सबके साथ मिलना तो टाइम नहीं हो पाता था। तो मैंने और कुछ ब्लॉग नहीं किया उसके बाद। आई होप आप लोग समझोगे ये बात मेरी, बट रेगुलर वीडियो तो जरूर डालूंगी मैं, कोशिश कर रही हूँ मैं अपने तरीके से। तो देखिए ये वाला वो वाला एक बैग है, ये वाला एक बैग है, एंड माही बोल रही कि उसको एक स्टूल लेके जाना है, वो गोवे वाला चेयर लेके जाना है। तो फ्लाइट में वो चेयर कैसे लेके जाऊंगी आई हैव नो आइडिया। सो देखते हैं कैसा क्या होता है। पहले मैं यहाँ से जाऊंगी नानी के घर, नानी के घर से जाऊंगी मैं चेन्नई, जैसे कि मैं आई थी वैसे तरह से मैं जाऊंगी। एंड ये वाला मोमेंट आप लोग बताइएगा, जब आप लोग अपने मम्मी के यहाँ पे जाते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है घर से वापस आने टाइम। मुझे लिटरली बहुत बुरा लग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा। मैं आप बोल लो कि आज पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। एक तो 2:30 बजे मैं उठी, लेकिन उससे पहले मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि यार चली जाऊंगी आज, चली जाऊंगी आज, यार मिस तो करूंगी क्योंकि मम्मी इससे पहले मम्मी चेन्नई आई थी काफी दिन के लिए, फिर उसके बाद तुरंत मैं यहाँ पे आ गई। तो रोना आ रहा है मुझे, बट नहीं कोई नहीं, चलो काम करते हैं। चलो सीधा आप लोगों से यहाँ पे आके मिल रही हूँ। तो यहाँ पे है मेरी मासी, यहाँ पे है मेरी मम्मी, वहाँ पे है माही। तो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं केक, एंड उसके लिए सारा कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट चल रहा है, कुछ कुछ यहाँ पे नट्स काट रही है, एंड यहाँ पे मैं आप सबको बताऊंगी। ये सिंपल तरीके कुकर ही बने हुए ना, माइक्रोवेव रे कुकर OTG में वो बनाएंगी। से हाय मम्मी, से हाय। जिन्होंने मेरे, मैं जब चेन्नई से यहाँ पे आई, फर्स्ट व्लॉग जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा ये मेरी मासी है, एंड आज दोनों मम्मी एंड मासी एक साथ है। तो आपको एक फोटो दिखाऊंगी, बताना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी मम्मी एंड आपकी मासी एकदम सेम दिखती है, एंड आप भी सेम दिखते हो। तो हम तीनों को एक फोटो आपको दिखाऊंगी, तो आप बताना क्या हम तीनों सेम दिखते हैं। तो एंड एक और बात, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है मेरा, देन प्लीज गाइस लाइक करा कीजिए। डिसलाइक करने वाले मेरे वीडियो को कभी नहीं भूलते डिसलाइक करना, 15 से 15 डिसलाइक तो होते ही है। अगर 20,000 भी व्यूज जाते हैं ना, तो 15 से 20 डिसलाइक होते हैं, वो अपना अटेंडेंस देना कभी भी नहीं भूलते। आते हैं वीडियो देखते हैं डिसलाइक करके जाते हैं, पर जिन लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं वो लोग लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करा कीजिए। एंड तो चलिए आपको मैं अभी शेयर करती हूँ। यहाँ पे माही देखो, माही का इसमें 3 कप्स मैदा हमने लिया है, अपना मेजरिंग कप के अनुसार ले लीजिएगा। ये कितने एमएल है, कितने इधर ओके, या ये वाला कप हमने लिया है। सो इसमें हमने 3 कप्स मैदा लिया है इसमें सबसे पहले, एंड इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1 छोटा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 छोटा स्पून बेकिंग सोडा, बस। हाँ बस ये तीनों ऐड करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगी, स्क्रीन पे भी मैं मेंशन करूंगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया कि मासी ने इसमें ऑलरेडी ये तीनों मेजर करके ना 1 चम्मच उन्होंने ऐड कर दिया, तो वही तो आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिख दूंगी, तो आप लोग वो वाला फॉलो कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी सबसे पहले शुगर का थोड़ा सा ग्राइंड करके ऐसा पाउडर बना के रखा हुआ है ये वाला,
ये है एंड हमें चाहिए होगा इतना सा ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें है काजू, बादाम, किशमिश, उसको हमने छोटे छोटे काट दिया है, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, एंड ये है मक्खन, मक्खन ना बटर मक्खन होममेड, हाँ मक्खन होममेड, ये घर का है मक्खन। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। चलो और ओ यू वांट टू से हाय, कम से हेलो, हाउ आर यू। हम दोनों थक गए हैं दो दिन से ट्रैवल, कल के। तो वही मिक्सचर में हम लोग यहाँ पे ड्रिंकिंग चॉकलेट का जो पाउडर आता है वो वाला ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास अगर ये ब्रांड है तो ठीक है, अगर आई थिंक दूसरे ब्रांड का भी मिलता होगा, ये कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये कोको पाउडर ऐड करेंगे, यहाँ पे भी वो 2 स्पून ऐड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके वो 3 स्पून आपको लग रहा होगा, लेकिन एक साथ करेंगे तो 2 टेबलस्पून आप इसमें ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर ये है मक्खन जो होता है होममेड बटर, घर का बना हुआ, तो इसमें इतना हमने ऐड किया, ये करीब 100 ग्राम्स तक का होगा। तो यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है, तो उस हिसाब से हम सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो शुगर को हमने पाउडर किया था उसमें हमने इसे मिलाया है, एंड साइड में जो हमने ये जो प्लेट है बाउल है इसको एक फॉयल पेपर हमने नीचे लगा दिया है, एंड थोड़ा सा बटर ले लीजिए या फिर थोड़ा सा ऑयल लेके इसको ग्रीस कर लीजिएगा ताकि ये चिपकेगा नहीं ना नीचे। तो वो जो हमने शुगर में मिलाया था यहाँ पे बटर को उसे अच्छे से हमने यहाँ पे बीट कर रहे हैं। अगर आपके पास ये ब्लेंडिंग मशीन नहीं है तो आप अपने स्पून से भी कर सकते हैं, या फिर जो एक छोटा सा घर में भी होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन अगर आपके पास ये वाला है तो ठीक है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे इतना सा ऑयल ऐड करेंगे, करीब इसमें छोटा सा जो ग्लास है उसमें हमने ऑयल लिया था, रिफाइंड ऑयल हम यहाँ पे ऐड करें, एंड इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छे से मिक्स होगा जितना फ्लफी होगा ना ये सारा केक हमारा भी इतना स्पंजी बनेगा, उतना टेस्टी बनेगा। तो उन सबको अच्छे से बीट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो मिल्क मेड होता है कंडेंस मिल्क, यहाँ पे छोटा मतलब इतने बड़े टीन में यहाँ पे आधा था, हमने वो आधा इसमें ऐड किया है, तो वो इसमें आपको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास आधा है तो ठीक है, या फिर आप अमूल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला है तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था मैदा एंड ये सारा कुछ पाउडर डाल के थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालिए एंड उसको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करते टाइम यहाँ पे आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए, इतना सा हमने लिया है, आपको पूरा दूध की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उतना आपको चाहिए होगा जो कि एक मिक्सचर बनाने के लिए आपको सही रहेगा, नहीं तो लम्स आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप दूध ऐड करके एक साथ पाउडर ऐड करके आप इसको मिक्स करिए, एंड कोशिश करिए कि इतने अच्छे से करें ताकि कोई लम्स ना रहे, या फिर ज़्यादा भी आप कोई मिल्क ऐड ना करिए, नहीं तो पूरा एकदम से वाटरी बन जाएगा। ज़्यादा थिक नहीं करना है आपको, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मतलब आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी इसका कैसा आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको करिए। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्पून के एक फॉक के साथ भी आप इसे कर सकते हैं, उतना ही अच्छे से होगा, लेकिन अगर आपके पास ये वाला मशीन होता है तो थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए हमारी माही मैडम वो भी थोड़ा सा कर ले रही थी अपने मन की, तो यहाँ पे जो हमने नट्स लिया था इसमें थोड़ा सा हमने मैदा इसमें मिक्स कर लिया था एंड इसको रख दिया था ताकि वो नीचे तक ना चला जाए, चिपके ना एकदम से। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने एक बाउल लिया था उसमें ऐड कर गार्निश करने के लिए इसमें लगाएंगे, लेकिन हाँ ये वाला जो आपको मैं बता रही थी ना, अगर आपके पास ये वाला है तो आप उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए ये मासी लेके आई थी, तो इससे भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो इस मिक्सचर का कंसिस्टेंसी इस केक के लिए इतना होना चाहिए, ज़्यादा पतला मत करिएगा, जितना नट्स डालोगे उतना टेस्टी लगेगा। काजू है, बादाम है, किशमिश है, और क्या बोलते हैं मेलन सीड्स, थोड़ा बाद में डाल देंगे ऊपर से, ठीक है। उसके बाद वही मिक्सचर को जो हमने एक बाउल रखा हुआ था, ये केक बनाने के लिए नॉर्मली आता ही है इस तरह का, एल्युमिनियम फॉयल नीचे से लगाना मत भूलिएगा नहीं तो चिपक जाएगा, एंड थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लीजिएगा बटर या फिर तेल से, तो ज़्यादा इसको मत भरिएगा नहीं तो, क्योंकि वो फूलता है केक ना, एक तो स्पंजी वाला थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो उसके ऊपर हमने ये थोड़ा सा नट्स एंड थोड़ा सा जो टूटी फूटी ये सब डाल के हमने गार्निश कर दिया है। 180 डिग्री 45 मिनट्स, इसमें आपको टेम्परेचर सेट कर देना है इसमें ओवन में
180 degrees माइक्रोवेव ना नहीं ओटीजी ओटीजी में सेट कर देना है 180 degree एंड 45 minutes एंड उसके बाद आपका केक रेडी हो जाएगा एंड इसको हमने ऐसे गार्निश कर दिया है। आप अपने हिसाब से और कुछ कुछ डाल के भी कर सकते हो। प्री हीटेड ओवन चाहिए एक्चुअली हाँ। मैंने थोड़ा लेट हो गया मेरा। अच्छा प्री हीटेड ओवन आपको करना है उसके बाद आप इसमें डाल सकते हो। इसे बनने में अभी करीब 45 मिनट्स तो लग जाएंगे तो 45 मिनट्स के बाद हमें पता चलेगा ये कैसा बना है। तब तक हम थोड़ा सा मफिन बना लेंगे। इसमें से जो इतना बचा है उसको हम लोग ऐसे कपकेक की तरह इसमें डाल देंगे। इसको भी आप लोग मफिन की तरह आएगा तो इसमें भी थोड़ा सा बटर एंड थोड़ा सा तेल मिक्स करके इसमें ग्रीस कर लीजिए पहले एंड इसमें डाल दीजिए बटर या तेल। तो वही सेम उसी तरह से जो मफिन्स का ट्रे ये भी तो आते हैं बनाने के लिए कपकेक्स तरह भी हम बना सकते हैं। उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा डालिए क्योंकि ऊपर आ जाएगा ये ज़्यादा भरेंगे तो एकदम से बाहर आ जाएगा। उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे जो भी हमारा ड्राई फ्रूट्स था एंड केक बनने के बाद इसको भी हम उसके ओवन में रख देंगे एंड आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बना है अभी। एंड ये देखिए यहाँ पे मफिन्स एंड केक दोनों रेडी हो गए हैं। कितना ज़्यादा अच्छे से स्पंजी बना था एकदम से जैसे हमने निकाला मैंने वैसे ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया अभी तो एकदम से टेस्टी बना था। एंड ये केक है ये वाला आपको कैसा लगा ट्राई ज़रूर करिएगा। कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी स्पंजी बना था आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो हमारा केक वाला काम होने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए क्योंकि मेरा फ्लाइट आज नहीं कल है तो उतना टाइम क्या करेंगे तो बाहर आ गए थे। ये वाला एक शॉप है यहाँ पे बर्मा मार्केट करके मतलब चाइना मार्केट भी इसको बोलते हैं बर्मा मार्केट भी इसको बोलते हैं मतलब जो भी घर का सामान होता है बहुत ही कम रेट में यहाँ पे मिल जाता है। मुझे कुछ लेना नहीं था क्योंकि चेन्नई में भी बहुत कुछ मिल जाता है एंड यहाँ से उठा के लेके जाना बहुत मुश्किल होगा तो मासी के लिए अपने लिए ले रही थी थोड़ा सा नानी के लिए या फिर मम्मी वो सब अपने लिए ले रहे थे। काफ़ी सस्ता था काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में बहुत कुछ मिल रहा था तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप ले लिया। आप लोगों में से कोई वाइजैग विशाखापट्टनम आए हैं क्या या फिर यहाँ पे रहते हैं एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे ऐसे जो सामान है था काफ़ी सस्ते प्राइस में जैसे कि चेन्नई में एक एक शॉप में आपको दिखाती थी सस्ता एकदम से सस्ता प्राइस वाला वैसे ही था ये वाला मार्केट। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा इसी के लिए। एंड बॉक्सेस भी ये सारे जो ऊपर बॉक्सेस थे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के थे 50 रुपये में यहाँ पे थे मतलब इतना सस्ता तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्वालिटी भी इसका बहुत अच्छा था ऐसा नहीं था कि ख़राब क्वालिटी वाले यहाँ पे मिल रहे थे। तो वही सब ऐसा तो होता है ना कि कहीं पे जाओ थोड़ा सा लेके आना। स्टील वाला भी यहाँ पे इतने सारे वैरायटी है लेकिन ये बात तो है कि चेन्नई में जितने वैरायटी आपको मिलते हैं स्टील बर्तन के यहाँ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको इतना छोटो से इतना बड़ा वाला स्टील का सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ऐसा बहुत छोटा सा स्टोर था लेकिन काफ़ी सारे सामान रखा हुआ था। तो आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है आज का ब्लॉग। एंड हमारा यहाँ पे शॉपिंग हो गया है इसके बाद हम जाएंगे घर। मैं जाऊँगी नानी के घर वहाँ पे भी मैंने ब्लॉग बनाया है बनाऊँगी इसके बाद जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आई डोंट नो इस ब्लॉग में मैं इंक्लूड कर पाऊँगी कि नहीं। मम्मी ये है वाइजर विशाखापट्टनम का गोपालपट्टनम एरिया है सीमांचलम वहाँ पे हम लोग आए हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शॉपिंग करने के लिए। टाइम है बहुत ज़्यादा अभी तो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था ये जगह जब हम लोग छोटे थे। अभी ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए बहुत ज़्यादा रश हो गया है बहुत ज़्यादा गाड़ी एंड वेलकम टू पिम्पल पिम्पल भी आ गए हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा वाइजर अगर किसी अगर यहाँ से कोई है तो बताओ अगर यहाँ पे कोई आए हैं तो बताओ जो नहीं आए हैं कैमरा के साथ देख लो आप लोग भी। एंड ये रही मेरी हम लोग खरीदेंगे कुछ इंडियन गोवा लो केजी 120। ओ गॉड गोवा केजी 120 120 जबकि एक जमाना था हमारे हर घर में ना पेड़ होता था गोवा का यहाँ पे तोड़ के खाते थे जब हम छोटे थे हमारे घर के साइड में भी एक था वैसा। अब देखो 1 किलो 120 पता नहीं अब थोड़ा सा वहाँ पे बार्गेनिंग हुआ है आई थिंक। चलो दिखाती हूँ मैं आपको मेरी मासी है बहुत जबरदस्त बार्गेन करेगी वो कितने कितने 30 रुपीज़ रहेगा 120 का 120 का ओ 1 किलो 120 का ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बड़ा जोरदार का बार्गेनिंग चल रहा है देखो ये चल ना छड़ दिया
यार वो वाले भैया इतने ज्यादा पैसा बोल रहे, पता है पांच बोल रहे, पांच का कितना बोले, तीन तीस रुपए, मतलब एक गोवा बोलो वो दस का बेच रहे हैं। बोलो माही को गोवा बहुत पसंद है, इसी के लिए वो थोड़ा सा रो रही थी गोवा देखे, इसी के लिए लेने का भी सोचे, तीन गोवा तीस, बाप रे। तुम्हें छोटे पिला के खिला ओ गॉड, मेरी मासी जब छोटी थी ना तब था 50 पैसा एक इससे बड़ा वाला नहीं है, तब घर में पेड़ भी होता था। एंड अब आप लोग यहाँ पे किसके घर में गोवा का पेड़ है बताओ। इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर देती हूँ, मेरे आने वाला ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे नाना नानी के यहाँ पे। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत लोग बोलते हैं आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन को प्रेस करना पड़ेगा गाइस। तो मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।